कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती बुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 11 बजे से, और नाश्ता भी हो गया है, घर के सभी काम निपट चुके हैं, और अभी मैं भर रही हूँ पानी। बड़ी मुश्किल से पानी आ रहा है, और गर्मी में वैसे पानी की बड़ी कटौती होती है, तो कभी तो पानी ही नहीं आता है, तो अभी पानी आ रहा है इसलिए पानी भर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डब्बा लगा रखा है और पानी भी भर ही चुका है, तो इसको खाली करती हूँ घड़े में। तो भैया यहाँ पे रेड़ी लेके आए हैं, रेड़ी उठा के ला गए। हाँ हाँ ये चाहिए, ये तो ले ही लो, दो ले लो, एक बाहर के लिए भी चाहिए ना। ये मजबूत तो है ना भैया, या फिर खाली है? लोकल टूट जाते हैं, एक तो खाली होते हैं हल्का। अरे ये तो जोर से घिसने में टूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोर से घिसो और टूट जाए दो हिस्से। हाँ ये जल्दी टूट जाएगा मेरे ख्याल से। और क्या क्या है फिर? ये क्या है? ये भी बेचने के लिए है, इसमें कुछ सामान बच्चे वो रख सकते हैं ना। हाँ दुकान में खाना ले जाएंगे मिलने में। हाँ बिस्किट चॉकलेट पहले वैसे ही शोपीस टाइप का रख दिया है। ये ले जाएंगे, ये कितने? ये भी 100 का ही होगा। कौन सा? वो बड़ा महंगा है। डेढ़ सौ इतना एक दाम लगाया था। इसमें चॉकलेट ऑकलेट लेने वाले हैं, मैं तो लेता नहीं हूँ, इनको बोले ले लो कहूँगा। वैसे कह सकता हूँ और सामान भी रख सकते हैं इसमें कुछ भी। ये देखो बड़ा शौक है, ये भी आगे सही है, सही है। एक ये भी है छोटा छोटा, ही ये ये टूथपिक। हाँ ठीक है। और क्या फिर? लो ये भी रख दो। इसको भी ले लेते हैं, दुकान में रखेंगे। ऐसे टूटे हुए हैं। अरे ट्रेन दो सही वाला ले लो। ये कितने का है? 30 रुपए की। ये 30 की? 30 रुपए। ये वाले सही लग रहे। इन लोगों ने मुझे क्या बना के रखा हुआ है? जोकर बना के रखा ना, पकड़ के रखो। घंटा है, इसको ले लो। ठीक है झुमके बच्चे रहो। एक मैंने भी तो छोटा था ना, छोटा रिंग वाला। तो भैया के यहाँ पे काफी बिक्री हो चुकी है, सबने बिक्री से ज्यादा भीड़ हो रही है। तो भैया का हमारी गली में आना फायदा हो गया है, फायदेमंद हो गया है। देखो इतना सामान हमने खरीद लिया है, और हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने भी काफी सामान ले लिया है, सबने कुछ ना कुछ लिया है। एक हमारी पड़ोसी छूट गई है, वो आई नहीं अभी, नहीं तो वो भी बहुत सारा सामान ले लेती है। अच्छा ले लिया ले लिया होगा वहाँ से पहले। हाँ अरे छोटी छोटी कंडियाँ भी ले रखी है हमने सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट्स बन रहा है, और भैया को जो है इमोशनल वाला रोल करना है, भैया को हंसी आ जा रही है। और हमने यहाँ पे सामान रखा हुआ है, ये है हमारा सामान। और नवनीत ने क्या लिया? नवनीत ने क्या लिया अपने लिए? अंदर रख दिया। तो दोस्तों हमने क्या क्या सामान खरीदा आपको अभी दिखाते हैं। तो ये है झुमके, तो ये ननद ने रखे हैं ये वाले झुमके। और ये है गजरा बालों में लगाने वाला, और बाकी एक झुमके ये हैं, और दो अंगूठी रखी, और क्लेचर रखा, और दो साड़ी पिन रखी है हमने, और सेफ्टी पिन भी है, और एक ये क्या बोलते हैं नाम जिसको, टूथपिक। और दो अंगूठी ननद ने भी रखे, और बाकी क्या है इसमें इतना ही है। एक झुमके ये भी हैं, ये मिरर वाले झुमके हैं, और एक छोटा सा कंडी, इसी में रखेंगे सामान हम अपना। ये छोटे मोटे सामान ना, ये जैसे कान के बिंदी वगैरह, ये चूड़ी इसमें आ सकता है छोटा छोटा। और यहाँ पे रखा हमने एक जग,
और ये है इसमें एक तो कूड़ा उठाने वाला रखा, और जो इससे पहले था वो भी रेड कलर का ही था, उसको जो है काम वालों ने तोड़ताड़ के एक कर दिया, इसमें पैर रखा तोड़ दिया। और ये छोटे छोटे झुमके रखे हैं मैंने डेली यूज के लिए, जो ये गोल वाले हैं ना इनसे कान पक जाते हैं मेरे गर्मियों में, तो इस वजह से ये वाले सही रहेंगे। और ये है बालों में लगाने वाला, हेयर स्टाइल बनाएंगे हम। तो नवनीत ने देखो क्या रखा है, ये एक ही जो है ये पेन बॉक्स में डमरू, और ये क्या है, ये कौन सा कार्टून है, हल्क 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 देखो बैग में लगा रखा है, इसलिए इसने दो छलने मांगे थे, एक बैग के लिए, एक बैग के लिए और एक पेन बॉक्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे नवनीत बना है भोलेनाथ जी, और यस्सु बनी है माँ पार्वती। तो हमारे ये वाले शॉर्ट्स आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, बहुत प्यारे शॉर्ट्स हैं। माँ पार्वती झूला झूलेंगी, भोलेनाथ जी झूला झुलाएंगे माँ पार्वती को सेवा करते हुए। सभी भक्तगण आए हैं यहाँ पे भोलेनाथ की शादी में, और यहाँ पे देखो छोटे बच्चे झूले झूल रहे हैं, ये देखो कितना छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चे। तो यहाँ पे आ रखे हैं मेहमान हमारे घर में, तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए मेहमान आए, घुसो घुसो, अरे घुसो। गर्मियों में मेहमानों को चाय नहीं पिलाई जाती है, और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को देना चाहिए इसे, हाँ क्योंकि हल्द्वानी में पड़ती है भयंकर वाली गर्मी, तो यहाँ सब ठंडी चीज़ें देनी चाहिए, खरबूज तरबूज खाओ, आपको तो अच्छा लगता है, यशु को तो पसंद है ये, भाग गई, खाओ आजा। भविष कैसे खा रहा अभी मैं जा रही हूँ ऊपर नरेंद्र भैया को चाय देने के लिए, तो चाय भी बन गई है। तो यहाँ पे है पेंटर भैया, और यहाँ पे खोद क्यों रहे हैं, आखिर क्या छुपा है यहाँ पे, कौन सा सोना गड़ा है यहाँ पे बताना, 10 साल पुराना सोना गड़ा है इधर, गाड़ी में मिट्टी मिट्टी कर दी है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स बन रहे हैं हमारे, और गाड़ी गंदी करनी है, और ये दो छोटे छोटे शैतान बच्चे गाड़ी गंदी करेंगे, पहले करी बाइक को गंदी, उसके बाद हो रही है बाइक की धुलाई, ये क्या बात होगी, आखिर ऐसा कौन सा शॉर्ट बना दिया हमने, पहले बाइक गंदी करी। तो हस्बैंड जी बैठे हुए हैं स्कूटी में खाना पीना खा के, और इनका खाना हो जाता है 6 बजे, लेकिन आज थोड़ी सी लेट होगी, तो इस वजह से मुझे 10 बार सुना दिया इन्होंने, झूठ नहीं आज ही तो हुआ यार, और दिन तो जल्दी बन जाता है। हाँ तो शाम के टाइम में टाइम किसको लगता है बताओ, पहले 6 बजे तो बोल लेना इस ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में दिखाना, जब जो 6 बजे देख रहे हो फिर टाइम रिकॉर्ड करना ब्लॉग में तो कभी 6 कभी 6:15 कभी 6:30 6:15 भी नहीं 6:30 भी नहीं, कल 6 टाइम नोट करना जो अगले ब्लॉग में डालना सही कहा ना मैंने, ठीक है। तो हस्बैंड जी तो खाना पीना खा के चले गए हैं घूमने के लिए, और मैं भी ये ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, इसके बाद खाना बना लेती हूँ, और हस्बैंड जी को तो पहले ही खिला दिया मैंने, लेकिन अब मैं बनाती हूँ अपने लिए और सबके लिए। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।